hey everyone welcome back to my channel explore with Aditi vyas in today's video i'm going to discuss uses of various measures of central tendency which is an important topic of your mas 014 all right but before starting the video if you are new to my channel please subscribe to it so before knowing the uses of various measures of central tendency we have to know about the measures of central tendency what are central tendencies and how many types we have of central tendencies all right so if i talk about the central tendencies or uh, i can say measures of central tendencies so these measures are also called as statistical averages or averages all right तो अमीजस ऑफ सेंट्रल टेडेंसी इज अ वैल्यू अराउंड विच ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव अ टेडेंसी टू क्लस्टर और राइट कि अमीजस ऑफ सेंट्रल टेडेंसी क्या है एक कोई सेंटर की वैल्यू मान लो या फिर एक ऐसी वैल्यू जिसके अराउंड ही सारी की सारी आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आ रही हैं ठीक है थीके? या फिर एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं कंसिडर करूँ कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट वही है या रिप्रेजेंटेटिव फिगर ही वो है जितनी भी मेरे पास वैल्यू है ठीक है तो ये तो आगे आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल लीजिए या सेंट्रल टेंडेंसी बोल लीजिए वैसे तो इसके नेम से ही क्लियर है कि सेंटर में जो हमारे पास फिगर आएगा सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसे हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी अब थ्री टाइप से हम इसको चेक कर सकते हैं ठीक है अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई भी डाटा है ठीक है और उसमें से जो सबसे ज़्यादा रिप्रजेंटिव फिगर है उसको मैं सेंट्रल टेडेंसी मान के चलूंगी तो उसको एनालाइज़ करने के लिए भी कुछ ना कुछ मेरे पास होना चाहिए ठीक है तो सेंट्रल टेडेंसी को जानने के लिए हमारे पास थ्री टाइप्स हैं दैट इज़ मीन मीडियन एंड मोड मीन क्या होता है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं उन्हें टोटल नंबर से डिवाइड कर दो और राइट एंड देन यू विल गेट द सेंट्रल टेडेंसी तो ये थ्री टाइप का होता है अर्थेमेटिक एज्यूम्ड और ज्योमेट्रिक और राइट सिंपलेस्ट फॉर्म है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म भी है या सबसे ज्यादा यूजफुल भी यही है देन मीडियन की बात करूं सो इट इज कैलकुलेटेड बाई फाइंडिंग द मिडल स्कोर वेन डाटा सेट इज प्लेसड इन नमेरिकल वैल्यू कि मेरे पास कोई भी नमेरिकल की वैल्यू दे दी है मान लीजिए मेरे पास सेवन वैल्यूज दिए हैं तो थ्री एक साइड आ जाएंगी थ्री दूसरी साइड और सेंटर की जो वैल्यू मेरे पास बचेगी उसे मैं बोल दूंगी मीडियन और राइट if i talk about the mode so it is come from french word which means fashion theek hai positional libraries hai ye aur the value that appear most frequently in the set ki maan lijiye mere paas bahut sari values hain 80 to 90 values rakh lijiye तो उनमें मान लीजिए मेरे पास बार बार 20, 20, 20 आ रहा है तो जो सबसे ज़्यादा representing होगी उसे मैं mode मान के चलूँगी All right? So central tendency refers to the measures. यूज टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डाटा कि मेरे पास जो भी डाटा है रहेगा उसका सेंटर को मैं क्या करूँगी मेजर करूँगी या डिटरमाइन करूँगी जानूंगी ठीक है तो उसे क्या बोल देंगे सेंट्रल ट्रेडेंसी नाउ कम टू द यूज अगर यूजेज़ की बात करूँ तो मीन की बात करूँ तो ये हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है ठीक है और एक्सट्रीम आइटम्स इसमें नहीं आ सकती बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा मीडियन की बात करूँ तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट ये हमें बता देता है ठीक है कि मिडल स्कोर कौन सा है Uh, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपन एंड टाइप है और मोड के थ्रू हमें क्यूक रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि हमने क्या करना है देखना है कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो वो क्यूक रिजल्ट दे देता है और इसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेज रिप्रेजेंटेड होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ग्राफिकल मैनर में होनी चाहिए ठीक है ये भी एक तरह से ओपन एंडेड ही है मीडियम की तरह बट मीन एक ओपन एंडेड नहीं है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल ट्रेडेंसी आई होप यू ऑल अंडर थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक नेक्स्ट it.